अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं एमएमपी का, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 9 वेरिएशनल मेथड्स। उसके अंदर मैं पहले 7 से 8 वीडियोस बना चुकी हूँ, उससे पहले वाले हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अब जो आज की मेरी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 एंड y1 एंड x2 y2 विच गिव्स मिनिमम एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड अराउंड। पहले x एक्सिस हमने फाइंड करना है, देन हमने उसको y एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में उन्होंने आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 y एक्सिस और पॉइंट नंबर n एक्सिस, 2 जो है वो x एक्सिस। मैंने आगे नहीं लिखे, मैंने अलग अलग हेडिंग्स बना लिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ लिखनी है जो मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने एंड पे लिखी है। लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स को हमने ए और बी नाम दे दिया इन xy प्लेन। हमने कह दिया xy प्लेन के अंदर है। सबसे पहले हमने ले लेना वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या, लेट अस कंसीडर द केस व्हेन द कर्व रिवॉल्व्स अराउंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने एक केस कंसीडर किया जिसमें हमारी जो कर्व है वो रिवॉल्व कर रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमने कहा है इन दिस केस एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन विल बी गिवन बाय। अब एरिया इज इक्वल टू ए से बी, हमारे दो पॉइंट्स हैं जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं। एरिया के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने लिख लिया, एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, 2π इन टू। अब क्योंकि वाई एक्स के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग एक्स लेंगे, इसका वैल्यू जो है वो एक्स आएगी। और जब एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो फॉर्मूले में हमारा यहाँ पर वाई आएगा, तो डी एस आ जाएगा 7। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, ये अंदर रह जाएगा हमारे पास। अब जो सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था वेरिएशनल मेथड के, जो शुरू में एग्जांपल्स भी मैंने जो आपको करवाई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैंने कहा था दो पॉइंट्स हों और कर्व के दो पॉइंट्स हों, यानी कर्व जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है विच गिव्स मिनिमम एरिया, जैसे मिनिमम एरिया दे रही है और बाद भी सर्फेस की हो रही है, तो हम लोग जो डी एस को है वो डी एस को हम लोग लेते हैं इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस पाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ये चीज़ हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, डी एस लेंथ इज इक्वल, लेंथ हमने जब निकाली थी, ये देखें ये वाली एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई थी एग्जांपल नंबर 1, उसके अंदर ये देखें कर्व के दो पॉइंट्स हैं और वो सरफेस पे मिनिमम है। तो इसके लिहाज से जब हमने ये सॉल्व किया था, ये सारा करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने ये वाली चीज़ बताई थी, डी एस के इक्वल थी, डी एस के इक्वल था सारा। इसको हमने सारे को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट किया था, तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये वाली, ये हमारे पास डी एस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन भी उस क्वेश्चन की यही है एग्जाम्पल की, तो हम लोग डी एस की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। डी एस की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, उसकी जगह पे एक्स ये फॉल रह गया। उसके बाद फॉर मिनिमम वैल्यू इट मस्ट बी सेटिस्फाई दी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन। अब देखें हमारे पास ये आ गया, अब हम इसको ऑयलर लैग्रांज के थ्रू, पूरे वेरिएशनल मेथड में हमने ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, इसके प्रूफ के ऊपर भी। अच्छा, इसके अंदर फंक्शनल, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि जो फंक्शनल है वो क्या, फंक्शनल हमारे पास क्या है, वो ये है। इंटेग्रल के अंदर पड़ी हुई चीज़ जो होती है वो हमारे पास फंक्शनल है, ये सारी वैल्यू हमारे पास फंक्शनल। और फिर हमने देखना होता है कि फंक्शनल, तो सबसे पहले ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास होती क्या, ये है। तो फंक्शनल जो है वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, तो कौन सा केस बन गया, केस नंबर 1। तो केसेस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो एंड स्क्रीन पे मैं इसकी प्लेलिस्ट भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब ये वाई इंटू वन प्लस, अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, तो हमारे पास जो केस लगेगा वो ये वाला है, केस नंबर 1। अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हेयर फंक्शनल ये है इसका। जब अब इसके अकॉर्डिंग हमने, जब इसका हमें एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव चाहिए, जिसको हमें किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल कह देना, तो यहाँ पे हम कोई कह लेते हैं ये किसी कांस्टेंट ए के इक्वल है, से ये किसी ए के इक्वल, हमने इसको कह दिया। उसके बाद हमने इस फंक्शनल का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव लेना, ये हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो 2y डैश आएगा, 2 से कैंसिल, और ये एक्स वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाला हमने, इस चीज़ को हमने फिर किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल करना होता है, जो हमने कह लिया कि हमारे पास ए है, तो हम ये वाली पूरी चीज़ जो हमारे पास
एफ ओवर पार्शल वाई डैश के इक्वल आई है, इसको हम एक इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने फिर वाई डैश की वैल्यू निकालनी होती है। हमने वाई डैश की वैल्यू निकालनी होती है, तो वाई डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उधर ले देंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हमने वाई डैश वाली वैल्यू इसको हम लोग अलग कर लेंगे, उसमें से हम वाई डैश को कॉमन ले लेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू भी वाई डैश के बगैर है, ये भी वाई डैश के बगैर है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वाई डैश इसके। तो हम अगर इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना। तो वाई डैश स्क्वायर जब हम लोग ये साथ पड़ी हुई वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब हम इनका अंडर रूट ले लेंगे, तो ए ये आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू ए ओवर इसका अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, उसका अंडर रूट भी डायरेक्ट ले लिया। उसके बाद वाई डैश हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के, तो वो हमने उसको लिख लिया इस तरह से। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये एक्स का है तो ये डी वाई इधर जाने देंगे, हम एक्स डी एक्स को उठा के इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज है ना, पूरा फंक्शन हमारे पास एक्स का पड़ा हुआ है, तो हम डी एक्स को इधर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बहुत साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट के हमारे पास वाई आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए का फार्मूला बन रहा है, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये फार्मूलाज इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन का वो फार्मूला बन रहा है। अब बारी है एक्स एक्स स्केल होंगे तो एरिया क्या आएगा, मैंने आपको बताया था जब वाई एक्स स्केल होंगे तो दरमियान में वहाँ पे फार्मूले में एक्स आता है, अगर एक्स एक्स के अलॉन्ग हो तो हमारे पास वाई आता है, तो ये अंदर वाई आ गया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली डी एक्स की जगह पे उसकी वो वैल्यू पुट कर दी जो ये है हमारे पास, वो पुट करने के बाद टू पाई को हम लोग बाहर लिया। उसके बाद हमारा जो फंक्शनल है वो क्या है, वाई इंटू वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, नो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन एक्स, पूरे फंक्शनल की एक्स पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो केस नंबर टू लगेगा हमारे पास, केस नंबर टू क्या होता है, वाई माइनस वाई डैश पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर हम लोगों ने पहले फंक्शनल लेना, फंक्शनल का हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश पहले डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देंगे। तो इसको भी हम किसी ए के इक्वल कह लेते हैं, कांस्टेंट बड़ा हो जाएगा, उसे सी कह लें, ए कह लें, बी कह लें, डजेंट मैटर। फंक्शनल जो था हमारे पास ये था, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला हमारा क्या है, एफ माइनस एफ डैश इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश। तो एफ हमारे पास फंक्शनल ये था, माइनस वाई डैश इंटू ये करेंगे वाई डैश, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, वाई इंटू वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट ए के हमने कह लिया। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम लिया है, तो इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको उठाकर दूसरी तरफ ले गए हैं, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कट हो गए हैं, सेम है, ये इसके साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद वाई इज इक्वल टू ये आ गया, अब हमें वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद हम लोग वाई डैश को अलग कर लेंगे, ये वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके साथ ए पड़ा हुआ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए है। डी वाई इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू क्या, अब हमने क्या करना, अब ये पूरा फंक्शन हमारे पास वाई का है, अब ये डी वाई जो है हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स है। अब देखें, अब अगर हम लोग देखें इसको छोड़ के, इस चीज़ को देखें, पूरा का पूरा हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई में पड़ा हुआ है, तो हम लोग वाई को और डी वाई को एक तरफ कर लेंगे और डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखें, डी वाई इधर ही है, मैं डी एक्स को इधर ले गई, लेकिन अगर आप देखें डी एक्स का इसका आपस में कोई बात नहीं बन रही, मतलब ना इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकती इनकी, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले तो ये फंक्शन वाई का है तो साथ डी एक्स पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको उठा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे इसके साथ। ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए ओवर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, ये हमारे पास सेम वही पिछला कोज हाइपरबोलिक वाई ओवर ए प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल सॉल्व, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियोज़ का। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।